उत्तराखंड के चार जिलों में 10 जुलाई तक बारिश का रेड अलर्ट जारी। बागेश्वर, टिहरी, देहरादून और पिथौरागढ़ के लिए भी अलर्ट जारी। केरल के दो जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से कई सड़क मलबे के कारण हुई बंद। 35 गांव का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। दरभंगा के पोखराम गांव में बारिश बह गया नदी पर बना डायवर्जन। आवागमन पूरी तरह से बाधित। दरभंगा में भारी बारिश से भरा पानी। नाले में गिरे बाइक सवार की बाल बाल बची जान। लखीमपुर खीरी में 4 सेकंड में शारदा नदी में समा गया पूरा घर। वीडियो हो रहा है वायरल। संभल में दुकान और घर के अंदर घुसा बारिश का पानी। सड़क पर कई फीट भर गया पानी। बड़वानी में भारी बारिश का कहर। नदी के तेज बहाव में बही ट्रैक्टर ट्रॉली। उधम सिंह नगर में बारिश ने मचाया तांडव। जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। कौशाम्बी में पीडब्ल्यूडी का कारनामा। झमाझम बारिश के बीच बनाई जा रही है सड़क। तिरुवनंतपुरम में इनकॉइस ने केरल तट पर सैलाब की चेतावनी दी। शंगुमुघम समुद्र तट के सामने की आई तस्वीर। कोझिकोड में भारी बारिश के बाद नदियों और नहरों के जल स्तर बढ़ा। लोगों से अलर्ट रहने की अपील। गोंडा में भीषण बारिश का तांडव। नदी के कटाव से 3 घर बहे। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ से प्रशासन अलर्ट। दिल्ली में बारिश के बाद सड़क तालाब में तब्दील। आवाजाही प्रभावित। खरगोन में झमाझम बारिश। नदी नाले उफान पर। ट्रैफिक जाम से परेशान हैं लोग। जूनागढ़ के भेसान तहसील में 2 घंटे में हुई 4 इंच तक बारिश। किसानों में दिखी खुशी की लहर। अल्मोड़ा में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर दिखे। सड़क पर आया मलबा। हल्द्वानी में लगातार पहाड़ों में बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। मैदानी इलाकों में मचा हाहाकार। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गांव में फिर से कटाव शुरू। लोगों की बढ़ी दिक्कतें। फतेहाबाद में सावन की पहली बारिश में शहर हुआ पानी पानी। दुकानदार हुए परेशान। बागेश्वर में 6 जुलाई से 10 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश से लोगों को किया गया सजग। बागेश्वर में कल आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कक्षा 1 से 12 तक सभी विद्यालय बंद। जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। बागेश्वर में तूफानी बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। सैलाब से लोगों की बढ़ी परेशानी। हिमाचल के ऊना में 200 लोग भारी बारिश से खड्ड के उफान में फंसे। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को निकाला। पाली जिले के दामली में सैलाब का कहर। सड़क पर बहती तेज धारा में बह गए पशु। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेकाबू बाइक खाई में गिरी। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। कोयम्बटोर रेंज के डीआईजी विजय कुमार ने की खुदकुशी। सर्विस पिस्टल से खुद को मारी गोली। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक स्कूल में करंट की चपेट में आई 3 छात्राएं। 1 छात्र की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बिहार में नहीं थम रही अवैध शराब की तस्करी। तेल टैंकर, एम्बुलेंस और बुलेरो से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मिशन 2024 के लिए पीएम मोदी का 3 शहरों में दौरा। रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी का करेंगे दौरा। पीएम मोदी रायपुर में 7600 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। हजारों करोड़ रुपए की देंगे सौगात। पीएम गोरखपुर में गीता प्रेस शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। वाराणसी में जनसभा को करेंगे संबोधित और कई परियोजनाओं का उद्घाटन। वाराणसी दौरे के लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। वाराणसी में मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के पुनर्विकास की रखेंगे आधारशिला। मणिकर्णिका घाट के कड़कड़ में भगवान शिव का है वास, ऐसी मान्यता है। अपने सांसद के आगमन को लेकर जगमगा गई काशी। काशी में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर दीपावली जैसा माहौल। मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। राहुल गांधी की याचिका पर आज फैसला आने का दिन। सूरत कोर्ट से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ अर्जी। सुबह 11 बजे फैसले की उम्मीद। अगर गुजरात हाईकोर्ट फैसले पर रोक लगाता है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से हो सकती है बहाल। बीजेपी उत्तर क्षेत्र के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत कई प्रमुख नेताओं से दिल्ली में होगी मुलाकात। सुबह 10 बजे वसुंधरा राजे दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलेंगी। एजेंडा 2024 की योजना और इन राज्यों में पार्टी की रणनीति पर लिया जाएगा फीडबैक। मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक। सभी विधायक और एमएलसी मीटिंग में रहेंगे मौजूद। पीएम आवास पर पीएम और अमित शाह के बीच देर शाम 3 घंटे से ज्यादा समय चली बैठक। पंजाब में नहीं होगा बीजेपी और अकाली दल में चुनावी गठबंधन। अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा बीएसपी से हमारी साझेदारी। बीजेपी ने 18 जुलाई को एनडीए नेताओं की बुलाई बैठक। 1 दिन बाद मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई है सर्वदलीय बैठक। दिल्ली में शरद गुट की बैठक। अजीत पवार समेत गुट के 11 नेताओं को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पास किया गया। शरद गुट की बैठक को लेकर अजीत पवार गुट का विवादित बयान। बैठक को गैरकानूनी करार दिया। शरद गुट की वर्किंग कमेटी में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल समेत 11 नेताओं को एनसीपी से बर्खास्त करने का प्रस्ताव पास। शरद पवार को एक्शन लेने का मिला अधिकार। सीएम शिंदे का बयान मेरी सरकार को कोई खतरा नहीं है। मेरा इस्तीफे का कोई सवाल नहीं पैदा होता। मुंबई में देर रात तक सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस के बीच मीटिंग।
कैबिनेट विस्तार को लेकर होगी चर्चा। शरद गुट की बैठक में जारी प्रस्ताव में बीजेपी सरकार पर प्रहार, विपक्ष के खिलाफ अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीका इस्तेमाल करने का आरोप। दिल्ली में शरद पवार से मिले राहुल गांधी, एनसीपी में टूट के बाद दोनों के बीच पहली मुलाकात। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के कारोबारी और मनीष सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा को किया गिरफ्तार। दिनेश अरोड़ा पर सीबीआई केस में सरकारी गवाह भी हैं। राजस्थान कांग्रेस में उठापटक को लेकर दिल्ली में बैठक, राहुल गांधी और अध्यक्ष खड़गे समेत राज्य के 29 कांग्रेस नेता शामिल। दिल्ली की बैठक में बोले सचिन पायलट, मेरी सभी मांगों को पार्टी ने मान लिया है, हम साफ मिलकर लड़ेंगे राजस्थान का चुनाव। एमपी के सीधी रिटर्न पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद जमीयत उलेमा हिंद ने भी यूसीसी का किया विरोध, लोगों से यूसीसी के खिलाफ अपना मत देने की अपील की। देश भर के कई सिख समूह यूसीसी पर चर्चा के लिए करेंगे बैठक, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कनाडा में खालिस्तान समर्थन मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग और अधिकारियों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने वाले लगे पोस्टर, दिखाई सख्त आपत्ति। विकास नगर में समुदाय विशेष ने पुलिस चौकी के बाहर की धार्मिक नारेबाजी, पुलिस शांति कायम कराने में जुटी। दुर्गापुर में बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी की दाढ़ी रोकने का आरोप, तृणमूल का झंडा थामे कुछ स्थानीय युवकों ने किया विरोध। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के फरार आरोपी पर प्रशासन का एक्शन, 4.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। कानपुर में नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट के बाद ट्रक पेंडुलम की तरह रेलिंग पर झूलता दिखाई दिया, नीचे से गुजर रहे वाहन। ग्वालियर में पुलिस पर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए निकाल रही है सार्वजनिक जुलूस, छात्रा के साथ बदतमीजी करने का था मामला। अमरनाथ यात्रा के लिए अभियान किया शुरू, मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल।